सूरजपाल बाबा से जुड़ी नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। इस बार बाबा के पड़ोसियों ने उनके बारे में बड़ा पर्दाफाश किया है। पड़ोसी महिला का कहना है कि बाबा के पास मोहिनी मंत्र है और इस मंत्र का इस्तेमाल वो महिलाओं पर करते थे। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि इस मोहिनी मंत्र से महिलाएं सम्मोहन में जकड़ जाती थीं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे बाबा सूरजपाल के राज सामने आ रहे हैं, हर कोई हैरान है। पड़ोसियों का दावा है कि बाबा के दरबार में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती थी और वो दरबार में महिलाओं के साथ नाचते भी थे। उनके पास एक मोहिनी मंत्र है, उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पर जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं उसका। इस गांव की महिलाओं ने बाबा सूरजपाल के दरबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में, हाँ कोई पैर धुल के पीती है इनकी, फिर बीमारी सब दूर हो जाती है। हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो इसे बात करते हैं। इस गांव की महिलाओं ने बाबा को लेकर जो बयान दिया वो जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। बाबा सूरजपाल का ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उसमें वो खुद को भगवान का अवतार बताते हुए धरती पर प्रलय लाने की बात कहते सुनाई दिए। बाबा नारायण साकार हरि ने ये भी दावा किया कि वो जरूरत पड़ने पर कभी भी प्रलय ला देंगे। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। इतना ही नहीं, इस वीडियो में वो धर्म और समुदायों के बीच का भेद मिटाने के लिए अवतार लेने का दावा भी करते दिखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। प्रवचन के समय वो सूट बूट पहनकर मंच पर अपनी पत्नी के साथ बैठे नजर आए। हालांकि ये वीडियो कितना पुराना है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाथरस में हुए हादसे के बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज सांसद के तौर पर संसद में अमृतपाल शपथ लेंगे। अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से दिल्ली लाया जा रहा है। कोर्ट से अमृतपाल को 4 दिनों की पैरोल मिली है। पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की है। उधर अमृतपाल सिंह के साथ ही इंजीनियर रशीद भी लोकसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को पैरोल दे दी है और वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था और जम्मू कश्मीर के बारामूला से चुनाव जीता था।